जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। और आज हम डिस्कस करेंगे CU CET के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस। क्योंकि ये पहली वीडियो होगी आपके लिए, तो मैं सिर्फ इसमें सिलेबस का ब्रेकअप आपको बताऊंगा। डिटेल्स हम इसके बाद में कवर करेंगे टॉपिक वाइज आने वाली क्लासेस में। और अगर आपने चैनल पर पहले वाली वीडियो नहीं देखी है, तो जो कोर्स वन इज इक्वल टू 23, वन पेपर इज इक्वल टू 23 कोर्स वाला वीडियो है, सॉरी, वो जाके एक बार आप प्लीज़ देख लीजिए। क्योंकि जो डिफेंस स्टडीज़ का सिलेबस है CU CET का, वो बाकी जगह पे भी आपको काम आने वाला है 23 अलग अलग कोर्सेज़ के एडमिशन के लिए। तो आपका कोर्स उस लिस्ट में है या नहीं, एक बार आप चैनल पे जाके वीडियो देखिए और उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अभी हम अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ 2020 का, आप देख सकते हैं। ये है, पांच सेक्शंस में आपका पेपर डिवाइडेड था। 2020 वाज दी लास्ट टाइम जब ये एग्ज़ाम ऑफलाइन हुई। अब की बार से तो ऑनलाइन ही होना है, लाइक 2021 से तो हो ही चुका है। तो इंग्लिश में पूछे थे 25 क्वेश्चन, जो आपका वर्बल एबिलिटी का पार्ट है। मैथ्स में या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, उसमें भी 25 थे। रीजनिंग एप्टीट्यूड में 22 क्वेश्चन पूछे थे। फिर जो बचे हुए 3 हैं, वो उन्होंने करंट अफेयर्स में डाल दिए। और जो आपका जनरल नॉलेज है, जिसे हम स्टैटिक GK भी बोल सकते हैं, उसमें 25 क्वेश्चन थे। कुल मिला के 100 थे। अब देखने में सिलेबस बाकी एग्ज़ाम के सिमिलर लगता है, बट बिलीव मी, बहुत लोगों के नेगेटिव मार्किंग की वजह से और बिना तैयारी ऐसे मुंह उठाए कोई चला गया, बैठ गया एग्ज़ाम को, तो लाइक फाइनल चौथी पाँचवीं लिस्ट में तो नाम आ गया था उनका, बट स्कोर इतने शर्मनाक थे कि जब यूनिवर्सिटी पब्लिकली अनाउंस करती है मेरिट लिस्ट, तो उन्हें वो खुद का नाम देख के बुरा लगता है कि भाई इतना मेरा स्कोर जो है वो नीचे कैसे आ गया। तो एक बात का आप ध्यान रखिए कि यूनिवर्सिटी पब्लिक में मेरिट लिस्ट डाल देती है, तो वो एम्बेरसमेंट फिर आपको होनी नहीं चाहिए। सिलेबस दिखने में इजी लगता है, लेकिन तैयारी के बिना किसी एग्ज़ाम में हाथ नहीं डालना है आपने। लाइक ये मेरा पर्सनल सजेशन है, अगर आप इसमें काफ़ी एक्सपर्ट है तो बात अलग है, बट अच्छे अच्छे एक्सपर्ट्स भी 70 के ऊपर नहीं जा पाते हैं CU CET में। इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। तो एक बार आप ये देख लीजिए। अभी डिटेल में आपको बताता हूँ कैसा था ये 2020 का, जो मैंने भी दिया था। इंग्लिश को जब आप देखेंगे तो ये कुछ इस तरह का पेपर था। चूज द करेक्ट वर्ड में उन्होंने 11 सवाल डाले हुए थे। सिनोनिम्स एंटोनिम्स के साथ थे। टेंसेस और ग्रामेटिकल पे एक ही पूछा था, पता नहीं क्यों, लास्ट टाइम, उसके पहले तो ज़्यादा होता था। एब्रीविएटेड और जम्बल्ड फॉर्म्स में 2 थे। सेंटेंस और वर्ड में एरर ढूंढ के निकालना था, उसमें 2 क्वेश्चंस। प्रपोजिशन में 2, इडियम्स में 2, एडजेक्टिव्स का 1 था, पार्ट्स ऑफ स्पीच का 1 था, एक्टिव पैसिव वॉइस इस बार हटा दिया, दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच उन्होंने पूछा था, और फ्रेजेस पे 1 सवाल आया था। अब ये टोटल आपको 25 से ज़्यादा लग रही होगी, लेकिन ये इट इज़ नॉट अ कोइंसिडेंस, बिकॉज CU CET बहुत दिमाग लगा के पेपर सेट करता है। और उन्होंने कॉम्बिनेशन डाल दिया था, लाइक द सेंटेंस और द क्वेश्चन गिवन विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर टॉपिक्स फ्रॉम दिस, और इसीलिए ये आपको टोटल 25 के ऊपर लग सकती है। लेकिन ये मैंने ओवरऑल आपको इंडिविजुअल एनालिसिस टॉपिक के हिसाब से बताया कि कैसे आ सकता है। कई सेंटेंसेस में मान लो अगर 2-3 फिल इन द ब्लैंक्स है, तो वो उसमें टेंस बता देगा, करेक्ट वर्ड आपको बता देगा। तो ऐसे करके उन्होंने पूछा था। और MCQs होते हैं, आपको पता है, 4 ऑप्शंस वो लोग देते हैं, लेकिन वो भी कन्फ्यूजिंग से होते हैं, सो यू हैव टू स्टडी वेरी वेल। दूसरा जो मैथमेटिक्स का पार्ट है, उसमें उन्होंने परसेंटेज में 4 सवाल पूछे थे। स्पीड डिस्टेंस टाइम के जो क्वेश्चंस होते हैं, ट्रेन बोट वाले, उसमें 3 आए थे, एक और एक्स्ट्रा ब्रिज वाला भी था। एवरेज में 2 सवाल थे। नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ वर्क वाला जो सिस्टम है, उसमें 4 क्वेश्चंस। प्रोबेबिलिटी में काफ़ी टफ पूछा था, 3 क्वेश्चंस उसमें थे, एंड दिस इज़ अ गुड नंबर इफ़ यू मिस, लाइक 3-4 मार्क्स आपके यहाँ जा सकते हैं। 6 मार्क इनफैक्ट मैं कहूँगा कि जाएंगे अगर तीनों के तीनों गलत हो गए। 3 तो जाएंगे ही, प्लस एक एक मार्क शायद अभी काटते हैं। पहले तो 1/4 ही कट होता था निगेटिव में, अभी का लेटेस्ट रूल मुझे नहीं पता है, आप देख लीजिए। फिर प्रॉफिट लॉस और इंटरेस्ट पे 4 क्वेश्चंस। रेशियो प्रोपोर्शन और रैंकिंग सीरीज 2020 के इसमें थोड़ी टफ थी, उसमें एक एक था। कैलकुलेशन बेस्ड एक कोई सवाल था, मुझे अभी याद नहीं है। अगर आप हमारी रेगुलर बैच में ज्वाइन करते हैं, तो उसमें हम ये क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं, तो उसमें ये दिख जाएगा, और उसका लिंक मैंने डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, तो आप देख लीजिए एक बार ग्रुप ज्वाइन करके। एरिया, वॉल्यूम और पेरीमीटर पे 2 सवाल पूछे थे, एक में कंबाइंड तीनों निकालना था और एक में शायद अलग अलग से दिया हुआ था। अब ये एग्जैक्ट एक्यूरेट 25 इसकी टोटल है, क्योंकि मिक्स्ड क्वेश्चन CU CET जनरली पूछता नहीं है, बट दैट डजेंट मीन कि आगे नहीं पूछेगा,
ऑनलाइन एग्जाम में वी कैन नॉट गारंटी। जो आपका रीजनिंग का पार्ट है उसमें काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चंस थे और कुछ बहुत इजी वाले ही थे, तो कई काफ़ी लाइक उन्होंने मिक्स्ड पेपर दिया था एज इफ दे आर टेस्टिंग अवर मेंटल एंड्योरेंस की भाई इस लेवल तक आते आते। और मैं आपको बता दूं कि रीजनिंग जानबूझ के आखिरी में डाला था, शुरू में दे हैड इंग्लिश ताकि बच्चों को थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए, उसके बाद उन्होंने जीके डाल दिया, वहाँ पे आधे लोगों का हालत ख़राब हो जाता था, फिर मैथ्स डाला हुआ था थोड़ा और परेशान करने के लिए, और जानबूझ के रीजनिंग जो 2020 के क्वेश्चन पेपर में सबसे टफ था वो जानबूझ के आखिरी में डाला था। तो लाइक जिस तरह से पेपर सेट किया उन्होंने वो देख के समझ आ रहा था कि ये मेंटल गेम होने वाला है। सो एनीवेज रीजनिंग में मैं आपको बता दूं कैलेंडर में दो थे, डायरेक्शन और रोड में दो, डिक्शनरी में सीक्वेंस ये तो बहुत ईजी होता है सो एक ही डाल दिया उन्होंने, सीरीज कंप्लीशन में पाँच थे, और एनालॉजी ने मुझे काफ़ी सरप्राइज किया क्योंकि सात क्वेश्चन सबसे ज़्यादा वेटेज इसको दिया था, और ये कॉम्बिनेशन था एक से ज़्यादा टॉपिक का, एक एनालॉजी भी थी और सीरीज़ भी कंप्लीट करनी थी, तो वो ऐसा था। जम्बल्ड वर्ड्स, रिलेशन एंड फैमिली, रिश्ते पता करना है वो एक क्वेश्चन था, कोडिंग डिकोडिंग में तीन डाले हुए थे, मिरर और वाटर इमेज का एक ही आया था, वो कंबाइंड नहीं था, वो बस एक मिरर इमेज उन्होंने पूछी थी, और ये क्लॉक एंड एंगल्स में एक था, क्लॉक वाले को ये जो क्लॉक वाला है इसे इमेज के साथ मिक्स कर दिया गया था, और ऑड वन आउट के तीन क्वेश्चंस थे वो भी एनालॉजी से मिक्स हुए थे, इसलिए यहाँ पे भी 25 से ज़्यादा इंडिविजुअल टोटल जा सकती है। तो ये खास पैटर्न आप नोट करिए कि CUCT कंबाइन करके पूछता है, ना कि FKT या CDS की तरह सीधा सीधा डायरेक्टली आपको दे देगा। ये पैटर्न मैं आपको बता दूँ आपको इसमें भी दिखेगा, इंटेलिजेंस ब्यूरो, बैंकिंग और कोस्ट गार्ड की जो एग्ज़ाम होती है इंडियन कोस्ट गार्ड उसमें भी है, तो शायद वहीं से कॉपी किया है इन्होंने। आखिरी में बात कर लेते स्टैटिक जीके की, इसमें से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के क्वेश्चंस बहुत इजी थे, ज्योग्राफी मीडियम था, कंप्यूटर बेसिक्स में मुझे तो लाइक पर्सनली टफ लगा क्योंकि वो बोलने के लिए कंप्यूटर बेसिक्स होता है लेकिन आपको वो उल्टा सीधा कुछ भी इसमें डाल सकते हैं, तो ये तो आप अपने हिसाब से ही रिस्क लेके अटेम्प्ट करिए। बुक्स एंड ऑथर्स एक ईजी था, एक टफ वाला दिया हुआ था, और करंट अफेयर्स पे तीन सवाल डाले हुए थे। अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि ऐसा ना समझ लेना कि करंट अफेयर पे सिर्फ तीन है तो लाइक मैं स्किप करूँ या पढ़ूँ ही नहीं, मेरी मानो तो पिछले 8 महीने के या पिछले 1 साल के या 2 CUCET एग्जाम्स के बीच में, लाइक मान लो एक 2020 के जून में हुई, एक 2021 के फेब्रुवरी में हुई, तो जून से फेब्रुवरी के बीच वाले करंट अफेयर्स आपको पढ़ने होंगे, तो लाइक दो एग्ज़ाम के बीच का पीरियड है, और जिस महीने में एग्ज़ाम होती है उस महीने का आप ना भी पढ़ो तो चलता है क्योंकि लाइक तब तक क्वेश्चन पेपर सेट हो ही जाते हैं, तो ना भी पढ़ोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट पिछले 6 महीने का या दो एग्ज़ाम के बीच का जो गैप है उसका आपको पढ़ना आवश्यक है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ओके चैट में कुछ क्वेश्चन, ओके ठीक है ये लाइव में आ रहा है, नो प्रॉब्लम। सो बस ये वीडियो यहीं तक थी, आई होप आपको अच्छी लगी होगी, आपको लाइक बेसिक तो समझ आ गया होगा कि कैसे तैयारी करनी है। अब अगली जो आपकी सेशन है उसमें हम इसका डिटेल्ड क्वेश्चन, इसमें कौन से आए थे, एग्जैक्ट क्वेश्चन कौन से आए थे, पेपर पड़ा हुआ है मेरे पास, तो उसके एनालिसिस पे हम बात करेंगे। तो अभी लाइक इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ यहाँ, ठीक है, जय हिंद, और हम जल्दी मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।